So, फिलहाल गाइज हमारी टेंट एकदम रेडी हो गई है और रात आज यहाँ पे हमारी बीतने वाली है इन घनी वादियों में। फाइनली गाइज हम लोग टेंट के अंदर है, यहाँ पे खाना होना रेडी हो रहा है, यहाँ पे आग लग गई है। भाई लोग काफी मदद कर रहे हैं, थैंक्स अ लॉट फॉर हेल्पिंग अस। हमारी मैगी बन रही है। मणिपुर के लोगों ने हमें इन्वाइट किया था खाने के लिए, तो काफी अच्छा लग रहा है इन लोग के साथ खाने में। हे गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। नागालैंड सीरीज के फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जगह है जूको वैली और शाम के बज रहे हैं लगभग 4:30। तो फाइनली आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हम लोग जूको वैली पहुंच गए थे 7 से 8 घंटे की ट्रैकिंग करने के बाद, जो कि हमने 7 से 8 घंटे में 20 से 22 किलोमीटर का सफर तय किया था, वो भी इन पहाड़ों से होकर, जूको वैली की इन पहाड़ों से ही होकर हमने अपने सफर की शुरुआत की थी। और फाइनली हम लोग आ गए हैं पीक पर जूको वैली के। तो फिलहाल गाइस जूको वैली में आने के बाद आप कैंपिंग ना करो तो ऐसा हो कैसे सकता है। कैंपिंग करने के लिए ही लोग तो आते हैं, अपने टेंट ऐसे बनाकर यहाँ पे रहते हैं और कुछ ऐसा व्यू देखते हैं जूको वैली का। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी यही करता हूँ, इसीलिए मैं भी अपने साथ टेंट लेकर आया था और हमारी टेंट जो है कैंपिंग टेंट ये रही। तो हमने अभी जस्ट कुछ मिनट पहले ही टेंट लगाया और फिर उसके बाद अभी इसमें बहुत सारे चीजें इसमें रखनी है क्योंकि ठंडी लग रही है, स्लीपिंग बैग सब कुछ हमने कैरी किया है। तो फिलहाल गाइस इस ब्लॉग में मैं कैंपिंग करने वाला हूं और उसके बाद आज मैं रात बिताने वाला हूं जूको वैली के यहां टॉप पर और उसके बाद खाना भी बनाऊंगा। फिलहाल गाइज हमारी टेंट एकदम रेडी हो गई है, इसे अभी मैं सही कर दूंगा, उसके बाद इसमें हम लोग खाना वाना भी बनाएंगे या तो बाहर में बनाएंगे। और कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा टेंट, काफी लाजवाब दिख रहा है और ये लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है कि टेंट में रहने जा रहा हूँ। और क्या ही बताऊँ, मैं नागालैंड में एक अलग ही एक्सपीरियंस फील कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, साउदर्न आगामी यूथ ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं तो आप इन इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना जब यहाँ पे आओगे। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे मजेदार बात यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोगों ने अपना नाम लिख दिया जो जो लोग आए हैं, और यहाँ पे शायद स्टाफ के लोग रहते हैं पता नहीं। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ जैसे कि कॉटेज यानी 1500 रुपये का पड़ेगा अगर आप कॉटेज लेते हो, यानी जो कॉटेज है ना उसके 1500 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। डॉर्मेट्री के 100 रुपीज, ब्लैंकेट, फिर बहुत सारे हैं। और टेंट यहाँ पे कटा इसलिए क्योंकि यहाँ पे तूफान आ गया था जिसके चलते बहुत ठंडी लग रही है भाई, जिसके चलते टेंट सारे खराब हो गए थे, तो जल्दी आ जाएंगे। और आप अगर खाना नहीं लेकर आते हो तो यहाँ पे खाना तो आपको लेना ही पड़ेगा, काफी महंगे पड़ रहे हैं, 2 अंडे के 80 रुपए, बहुत महंगे। मैं बताऊंगा, मैं कहूंगा तो आप खुद का खाना लेकर आना, मैं तो अपना लेकर आया हूँ। और खाना बनाने के लिए भी अगर आप सोचते हो कि मैं खाना बनाऊंगा जैसे हम लोग आज बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे भी एक अलग रेट है। अगर आप किचन लोगे तो 100 रुपए पे करने पड़ेंगे। और उसके लिए अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं बता रहा हूँ कि आप किचन तो ले लोगे 100 रुपए में, लेकिन किचन लेने के बाद आप खाना कैसे पकाओगे क्योंकि उसमें तो लकड़ी, फिर फायर भी तो होना चाहिए। अब उसके लिए भी आपको पे करने पड़ेंगे पर वुड का, यानी छोटा पीस होता है लकड़ी का, 10 रुपए, यानी 10 से 12 लकड़ी लग जाएगी आपकी, जिसमें आपको पे करने पड़ेंगे 120 से 130 रुपए। तो ये सब कमाने का एक स्ट्रेटजी है, आप क्या ही कर सकते हैं। और बर्तन के भी आपको 100 रुपए लगेंगे अगर आप बर्तन नहीं लेके आते हो तो। तो फिलहाल ऐसा कुछ रेट है। तो इस कैंपिंग टेंट को मैं और मेरा ब्लॉगिंग पार्टनर अमरदीप ने मिलके बनाया और उसके बाद इसमें तकरीबन हमें लगे कितने मिनट लगे, लगभग 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट में हमने कंप्लीट कर दिया। और यहाँ पे हमारी कैंपिंग टेंट रेडी हो चुकी है, इसमें अभी हम लोग अपने कुछ जो लेके आए हैं स्लीपिंग बैग सब कुछ इसमें फिट करेंगे। और फिलहाल जूको वैली में आप जब आओगे ना गाइस, तो मेरा रिकमेंडेशन आप सभी को रहेगा कि आप कैंपिंग टेंट जरूर लेके आना, क्योंकि अगर आप कैंपिंग टेंट नहीं लेके आओगे तो आपको इन सब घरों में रहना पड़ेगा जिसके चार्जेस शायद पता नहीं है, मैं पूछ के बताता हूँ कितना चार्जेस है। 100 रुपीज। अच्छा, हाँ, ये नजारा आप नहीं, हाँ ये नजारा आप नहीं देख पाओगे। और इस नजारे को ही देखने के लिए लोग कैंपिंग टेंट लेकर आते हैं स्पेशली, क्योंकि इस कैंपिंग टेंट से ही आपको ऐसा व्यू दिखेगा। तो हम ये गलती नहीं कर सकते थे, इसीलिए हम लोगों ने ट्रिप के पहले डिसाइड कर लिया था ना कि कैंपिंग टेंट तो लाना ही लाना है, कुछ भी हो जाए।
तो हम लोगों ने अपना कैंप लगा लिया है और रात आज यहाँ पे हमारी बीतने वाली है इन घनी वादियों में, इन पहाड़ों के बीचों में। तो फिलहाल गाइस पहले मैं अपने कैंप को रेडी कर लेता हूँ, अदरवाइज क्योंकि रात हो जाएगी तो बहुत ठंडी लग रही है, हाथ तो पूरे ठंडे हो गए। सो गाइस ये यहाँ के पालतू कुत्ते हैं, इसका नाम है किटी और इसका नाम अभी तक नहीं पड़ा है, देख रहे हो छोटू होली खेला है इसने, होली खेला है क्या। सो गाइस मैट ले रहा हूँ मैं, मैट नहीं लेके आया था और मैट आप लोग लेके आना, ये गलती मत करना क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है बहुत ही ज्यादा पानी छोड़ती है, जिसके चलते आपका जो यानी जो भी कंबल या ब्लैंकेट होगा वो भीग जाएगा आप जो जमीन पे बिछाओगे, इसीलिए मैट लेना मत भूलना। और अगर नहीं लेते हो तो 50 रुपीज पे करके आप यहाँ से मैट ले सकते हो। ये रहा ब्रांच जिसका मैं बात कर रहा था, मैट दे दीजिए, दो मैट कम लो। एक मैट में नहीं होगा क्या, दो होना पड़ेगा। सो मैट मिल गया अपने को 50 रुपीज पर मैट, दो मैट हमने लिया, 100 रुपए पड़े। तो मैं अभी जो बात कर रहा था, देखो ये जो आप अगर लेके आते हो ना ओढ़ने के लिए रजाई उजाई, ये काम नहीं आएंगे, बहुत ठंडा हो जाएगा और यहाँ से आपका पानी अब्सॉर्ब करेगा, इसीलिए मैट जरूर लेके आना अपने साथ। मेरे पीछे जो घर बना हुआ है ये हॉल टाइप का है और वहां पर भी देखो वो डॉर्मेट्री टाइप का बना हुआ है, फिलहाल कुछ ऐसा सीन है यहाँ का। और यहाँ पे क्या है, ये शायद कुछ ऐसे दुकान टाइप का है, देखो यहाँ पे डॉर्मेट्री और प्राइवेट रूम्स भी बने हुए हैं, अपना प्राइवेट रूम्स भी ले सकते हो। और ये बड़ा सा हॉल है, शायद ये शेयरिंग हॉल्स होंगे जिसमें लोग आराम से रह सकते हैं। और सभी लोगों ने देखो क्या किया है, अपना नाम लिख दिया, जो जो यहाँ पर आया, मैं अभी अपना नाम लिख दूंगा कि संजीव जायसवाल ब्लॉग भी यहाँ पर आया था। सो फाइनली गाइज हम लोग टेंट के अंदर है, कहाँ घर के अंदर रहते थे अब टेंट के अंदर भी रहना पड़ रहा है, लेकिन ये अलग ही एक्सपीरियंस है टेंट से। यहाँ हमें सुबह सुबह कुछ ऐसा व्यू दिखेगा, अभी शाम हो रही है। तो अमरदीप हाउ आर यू फीलिंग? फीलिंग सो गुड बट फीलिंग टायर्ड। और टेंट में कैसा लग रहा है भाई, घर में रहने वाला इंसान? दूसरा घर भाई, मम्मी को बोलते हैं कि हम यहीं रहने, यहीं पे रहने वाले हैं अब, क्या घर नहीं जाएगा इसका मतलब? यहीं क्या होगा, नजारा दिखाओ। ओ भाई सच में नजारे देख कर ना मन कर रहा है यहीं पर बस जाऊं, काफी मजा आ रहा है। तो फिलहाल गाइस पहले खाना खा लेता हूं, कुछ ऐसा सीन है देखो, दो लोगों की सोने के लिए टेंट मैंने ली थी और हम दोनों हमेशा ही ट्रैवलिंग करने जाते हैं तो साथ ही में जाते हैं, इसलिए मैंने हिसाब से ही लिया था। और यहाँ पे हमने मैट वोट बिछा लिया और यहाँ पे देखो खाना हम लेकर आए थे, यहाँ एक केक लेके आए थे, कपकेक जो कि 60 रुपीज पड़ा माजा, और यहाँ एनर्जी के लिए जो यानी ग्लूकोज टाइप का कुछ नट्स था वो भी हमने ले लिया था, चिप्स ले लिया, केक ले लिया, और यहाँ पे पूरी सब्जी भी हमने पैक करवा लिया था। और यहाँ पे सबसे मेन चीज जो हम लोग को रात में काम आएगी, स्लीपिंग बैग, ये मैंने डिकैथलॉन से लिया था और इस स्लीपिंग बैग से आप 8 डिग्री सेल्सियस तक आराम से सो सकते हो, यहाँ पे 15 डिग्री हाईएस्ट और मिनिमम जो होगी 8 डिग्री सेल्सियस। और हमारा कैंप कुछ अंदर से ऐसा दिख रहा है, हमारा छोटा सा घर, और यहाँ पे खाना होना रेडी हो रहा है। फिलहाल गाइस मिलते हैं खाना खाने के बाद, उसके बाद रात का व्यू दिखाता हूँ कैसा ही दिखता है। मुझे नहीं लगता कि रात में ज्यादा ब्लॉगिंग कर पाऊंगा क्योंकि पूरा अंधेरा हो जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कमी है। कब आए आप लोग? हम लोग आया, कितना बजे आया हम लोग? 4 बजे, 4 बजे के लगभग। अच्छा कौन सा वे से आया आप लोग, विश्वमा वाला या जखमा? अच्छा हाँ सही है, नहीं 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 एक गलती कर नहीं सकता, नहीं तो लेनी की देनी पड़ जाएगी। ये आप लोगों ने टेंट लगाया क्या? अच्छा वो भैया लोग का टेंट है, मुझे लगा कि ये इनका टेंट है। और ये खाना उना का क्या सीन है? तो बहुत हाँ वो सब लाए आप लोग, वो स्टोव लेके आए ना। तो यहाँ पर आते हो तो बहुत प्लानिंग करना पड़ेगा आपको, बर्तन वर्तन लेके आना, अदरवाइज पैसे आपके खर्च होने वाले हैं। तो ये भैया लोग हमारे रूम में ही थे, यानी हम लोग जहाँ पे ठहरे हुए थे भैया लोग भी वहीं ठहरे हुए थे, तो ये लोग हमसे 1 या 2 घंटा पहले ही निकल गए थे। लेकिन डिफरेंस क्या था कि इन्होंने अपना सुमो हायर किया था और हमने अपना सुमो हायर नहीं किया था, तो हम लोग हाइक करके आए, ये टूट गया पहले गाइस, बना हुआ था, तूफान आई थी जिसके चलते ये टूट गया है, नहीं तो इस पे लोग चढ़ के एक व्यू अलग ही व्यू देखते थे। तो फिलहाल वहाँ पे हेलीपैड है, वहाँ पे भी हम लोग कल जाएंगे, और सबसे पहले कल की जो ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे ना वो ऊपर की करेंगे, वहाँ से जो सन की जो व्यू आती है लाजवाब आती है, क्या ही कहने, बवाल, लाजवाब, सुपर। और कोई ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में अगर कोई वर्ड है जो इस जगह की ब्यूटी को एक्सप्रेस कर सकती है, ऐसा कोई वर्ड है तो कमेंट करके बताना, क्या ही बताऊँ, बहुत लाजवाब लग रही है। तो फिलहाल कल यहाँ भी जाना है, मैं बता दूँ वहाँ पे सीधा देखो वहाँ पे क्रॉस का साइन होगा, शायद आपको ना दिखे, वहाँ भी हमें जाना है, यहाँ पे 2 ट्रैक करने हैं हमें।
सुबह यहाँ पे 11 लोगों का ग्रुप आया है, यहाँ पे पता नहीं था जगह है, आपको दिख रहा होगा कि नहीं, तो यहाँ पे 5 लोग टेंट लगाएंगे। सो गाइज यहाँ पे 11 लोगों का ग्रुप आया मणिपुर से। सो इन्होंने बोला कि आप लोग यहाँ पे टेंट लगा लो, लेकिन मैं सोचा कि व्यू नहीं दिखेगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो पत्ते ऐसे घेरे हुए हैं, तो सुबह का जो व्यू है वो नहीं दिखेगा, तो हम लोग का डिसीजन सही है मनदीप। सो यहाँ पे लोग टेंट लगा रहे अपना। सो गाइज ये लाइट जो आप देख रहे हो ना, ये लाइट मैंने खरीदा था डीकैथलॉन से, काफी यूजफुल है। देखो काफी लाइट यहाँ पे, छोटी सी लाइट है लेकिन काफी उजाला कर रही है। अगर आप आओगे यहाँ पे ना जुको वैली, तो एक लाइट जरूर ले लेना, नहीं तो अंधेरे में चलोगे और कहीं गिर गया तो बस। ये भाई लोग तो ओए, ये लोग सोएगा कि भी नहीं। सो गाइस जुको वैली में आप आओ और हर चीजों में आपको एडवेंचरस ना करना पड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं एक मजेदार चीज बताता हूँ कि आप जब जुको वैली आओगे तो आपके पास तो इनफ पानी होगा नहीं कि जिससे आप अपना खाना, फिर उसके बाद आप अपना आप फ्रेश हो सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे पानी लाने के लिए आपको 2 बाल्टी लेकर नीचे जाना पड़ेगा, जहाँ से आप पानी लेकर यहाँ पर लेके आओगे, ज्यादा नीचे नहीं, बस थोड़े से नीचे जाकर। सो भाई यहाँ पर आ गए हैं पानी लेने के लिए। अरे यार कचड़ा है, क्या हुआ? ये कैसा पानी है? ये तो यहाँ पे देख क्लीन पानी है, इसमें देख, दूसरे वाले में देख भाई, पानी देखो जरा कितना गंदा है, इसमें देख। अरे यार अंदर में काई है, इस वजह से पानी है। हाँ शायद ऐसा हो सकता है, शायद अंदर का ड्राम गंदा है। देख एक बार, ओ पानी क्लीन है, पानी क्लीन है भाई। क्लीन मतलब अब पी मत लेना, ये बस यूज करने के लिए, पीने के लिए भी है। क्या बात कर रहा, पीने के लिए भी है? जो काम करना है, पीना, नहाना, धोना सब। भाई ये तो बहुत ही लेटेस्ट न्यूज है कि पीने के लिए भी यही पानी यूज करना पड़ेगा हमें। अरे यार भारी है ये तो, बहुत हेवी है भाई। हाँ बहुत ज्यादा हेवी है। अब इसको लेके ये चल चल पहाड़ के, आराम से चढ़, पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। लाइट यहाँ भी दिखाना हमको, चढ़ाई भी करो और ऊपर से यहाँ पानी भी लेके आओ। और यहाँ पे हमारे घर की गृहस्थी, क्या बना रहे हो आज सर? क्या बना रहे हो? मैगी, 2 मिनट का मैगी। आप लोग 15-20 मिनट से लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक नहीं जला, अभी तक जलाते जाते लकड़ी कहीं गायब ना हो जाए आप लोग का। फाइनली ट्रेकिंग करने के बाद हम लोग का बोनफायर स्टार्ट हो चुका है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, लकड़ी कट हो रहा है और वहाँ पे भैया लोग 30 मिनट यानी आधे घंटे से बोनफायर कर रहे हैं। बोनफायर का तो पता नहीं, आग ही चला बस रहे उसमें फूके जा रहे और आग का कुछ पता नहीं है। आग लग गया, लग गया। ओ कंग्रेचुलेशन, बिग अचीवमेंट, तालियां भैया लोग के लिए। सो गाइस काफी मेहनत करने के बाद यहाँ पे लकड़ी जल गई है, अब 2 मिनट वाली मैगी बनाना है, 2 मिनट में बनती नहीं है। हेयर फ्रॉम देयर 10 रुपीज 1 पीस, 1 या 10 रुपीज 100 रुपीज 10 रुपीज 1 पीस 1 पीस 10 रुपीज 5 पीस 50 10 पीस। सो गाइस ये लोग मणिपुर से आए हैं, तो यहाँ पे जल गई है, अब मैगी बनाने की बारी है, पहले और लकड़ी जलाना पड़ेगा यहाँ पे देखो। तो भाई यहाँ पे मणिपुर से जो लोग आए हैं वो हमें आग जलाना सिखा रहे हैं, हमने जो आग जलाई थी वो बुझ गई। ओ चूल्हा बनाना है, ओ ये एक्सपर्ट है मणिपुर, ये एक्सपर्ट है ना, ही इज एक्सपर्ट। सो यहाँ पे एक्सपीरियंस काम दे रहा है। सो यहाँ पर काफी लोग आ गए हैं मणिपुर से, असम से, बंगाल से। सो अभी यहाँ पे हमें कंपनी मिल गई है, मजा आएगा। ओ भाई क्या जोश है इन लोग के अंदर। सो कल चलेंगे नीचे नीचे ट्रैकिंग करने के लिए। हाँ मॉर्निंग, कितना बजे? सुबह सुबह 4-5। ओके पूरी टीम बन चुकी है अब हम लोग की, अब हम लोग साथ में पूरी ट्रैकिंग करने वाले हैं कल के लिए। सो क्या नाम है आपका, आपका नाम क्या है? वजी एंड योर लेनबोर एंड आपका भैया, योर नेम? रिचर्ड। और हिज नेम? फायर एक्सपर्ट।
रॉबिन्सन। सो गाइज मणिपुर से भाई लोग काफी मदद कर रहे हैं, थैंक्स अ लॉट फॉर हेल्पिंग अस। सो काफी मदद कर, हाँ मैगी वाली पॉट बैठ चुकी है और अब मैगी बनाने की बारी आ चुकी है। भाई मैगी बनाते बनाते तो आंख में पानी आ गई है और यहाँ पे हमारी मैगी बन रही है और इन्होंने खाने में इनवाइट किया हमें, पहले मैगी खा लेते हैं। यहाँ पे मणिपुर के भाई लोग मैगी टेस्ट कर रहे हैं। वेयर इज द मास्टर सेफ, वेयर इज द मास्टर सेफ, मास्टर सेफ टेस्टेड। नाइस। सो भाई ये लोग मिल गए, काफी काफी मस्ती कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई बोल रहे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग रात के टाइम में। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, दिस इज कम। सो हम अपना टेंट दिखाने जा रहे हैं, या ओपन इट एंड दिस वन। सो भाई मणिपुर के भाई लोग को हम लोग अपना टेंट टूर करा रहे हैं। वी हैव ए मेट 50 rupees, दे चार्ज 50 rupees वन, या फॉर प्रोटेक्टिंग कोल्ड। दिस इज आवर स्लीपिंग बैग, ओनली दिस वन, ओनली दिस वन, वन पीस। नो सप्लाई स्लीपिंग बैग, नो, वी बॉट फ्रॉम डेकैथलॉन। या सो डू यू हैव, डू यू हैव स्लीपिंग बैग और नॉट? नो स्लीपिंग बैग, वी ब्रिंग दिस ओनली वन, दिस दिस। भाई कैसे सिर्फ ये इन लोगों ने सिर्फ यही लिखा। सो हाउ विल यू स्लीप? गिव मी, यू गाइस आर सो क्रेजी, यू जस्ट केम जस्ट विद दिस। We are first here. We come. Oh, you came here first time. First time. Amazing, look. Oh, well. This is our first time also. This is our first time. For me also. But I have seen many videos before coming here. तो भाई ये लोग सिर्फ यही लेकर आए हैं, अब कैसे सोएंगे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। अपने पास एक्स्ट्रा होता सो दे देता। आई लव यू इन मणिपुरी। आई नंग नुंगसी, आई नंग आई आई ई आई ई आई 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 नंग एनजी एनजी मुसी नंग नुंगसी नुंगसी। व्हाट आर यू कुकिंग? पोटैटो, 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 ऑनियन, ऑनियन राइस एंड टिन फिश, टिन फिश। नो नो नो, देयर इज टिन फिश, दिस इज कॉल्ड मोरोमेट पाइन आवर लैंग्वेज। ओह, इन हिंदी आई डोंट नो से हाउ टू से चटनी, चटनी। ओ या चटनी, चटनी। डू यू अंडरस्टैंड हिंदी लैंग्वेज ब्रदर? थोड़ा 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 आता है। सो यहाँ पे मणिपुर में, यानी आप नागालैंड आओगे ना तो आपको नागालैंड या नॉर्थ ईस्ट के किसी भी स्टेट में जाओ तो यहाँ पे हिंदी लोग भी जानते हैं अच्छा खासा, बहुत लोग। सो गाइस यहाँ के मणिपुर भाइयों ने खाना बनाया और हमें इनवाइट किया है, इन भाइयों ने, सभी लोगों ने मिलकर, क्या पाओ हमारे साथ खाना खाओ। काफी काफी फनी है यार, और भाई काफी अपने ही एज के हैं। यहाँ पे मणिपुर के लोग खाना सर्व कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ मणिपुर फूड, टेस्ट करके देखता हूँ पहले। टेस्टी है। इन्होंने टिन फिश के, इन्होंने जो सब्जी बनाया है उसमें टिन फिश भी मिला है, जो कि टेस्ट में अच्छा लग रहा है, तो काफी अच्छा लग रहा है इन लोग के साथ खाने में। देख रहे हो सारे 13 लोगों का एक ग्रुप हो गया है। सो गाइस मणिपुर वाले लोगों के साथ मिलकर काफी अच्छा लगा, और उन्होंने जो हमें डिनर के लिए ऑफर किया था काफी अच्छा लगा, काफी हम्बल थे, और उन्होंने यहाँ तक कि ऑफर किया कि आप घर भी आओ मेरे, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब मेरे गांव आओ, मेरे घर आओ, मैं आपको घुमाऊंगा और फेस्टिवल में आओ, उनकी कोई फेमस फेस्टिवल होती है। तो खैर खाना खाने के बाद सबको टाटा बाय बाय गुड नाइट बोलने के बाद फाइनली अपने कैंप में आ गया हूँ मैं और मेरा यहाँ ब्लॉगिंग पार्टनर। तो यहाँ पे स्लीपिंग बैग हम लोग रेडी कर रहे हैं और सारा कुछ रेडी हो चुका है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ी है, अभी 11 degrees Celsius है। और यहाँ पे मैंने ये मैट ले लिया था, अगर ये मैट नहीं लेता तो आज पूरी बहुत ही गंदी तरीके से लगने वाली थी, क्योंकि ये जो भाई साहब लोग आए हैं ना मणिपुर से, उन्होंने मैट वोट कुछ नहीं लिया है, बस एक कंबल लिया है। अब शायद भगवान करे अच्छे से नींद तो नहीं आएगा, मुझे लग रहा है बहुत ठंडी लगने वाली है। और इसीलिए अगर आप यहाँ पे आओगे ना तो ज़रूर
अपने मैट और फिर उसके बाद स्लीपिंग बैग जरूर लेकर आना, नहीं तो वाट लग जाएंगे। तो फिलहाल इसी के साथ करता हूँ ब्लॉग को ख़त्म, बिकॉज बहुत ज़्यादा नींद लग रही है, थक गया हूँ। सुबह से ट्रैकिंग किया, 20 किलोमीटर का सफ़र तय किया, बहुत ज़्यादा यानी शरीर पूरी टूट चुकी है। अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, यानी जूको वैली के नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और छोटे मोटे अपडेट्स या मेरे नेक्स्ट ट्रिप के अपडेट्स जानने के लिए इंस्टाग्राम में फॉलो करो। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि नागालैंड सीरीज की जितनी भी वीडियो है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।